पिछले कुछ सालों से ईद के त्योहार का मतलब सलमान खान हो गया है। जी हाँ भाईजान, हर ईद पर अपनी फिल्म लेकर आते हैं और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख देते हैं। हालांकि साल 2020 की ईद सलमान खान और उनके फैंस के लिए कुछ अलग रह सकती है। अगर बॉलीवुड के गलियारों के सामने आने वाली खबरों की माने तो अगले साल ईद के मौके पर बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर करण जौहर अपनी फिल्म तख्त रिलीज करने की सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ सालों से सलमान खान ईद के मौके पर अपनी फिल्म लेकर आते हैं, लेकिन साल 2020 में ये सिलसिला रुक सकता है। असल में करण जौहर अपनी बिग बजट फिल्म तख्त अगले साल ईद पर रिलीज करना चाहते हैं, जिसमें लंबे चौड़ी स्टार कास्ट है। करण जौहर चाहते हैं कि उनकी फिल्म तख्त को एक बड़ी रिलीज डेट मिले और इसलिए उन्होंने ईद का मौका चुना है। वैसे हम आपको बता दें, अभी तक सलमान खान ने भी ईद 2020 को बुक नहीं किया है। वह इस समय अपनी फिल्म भारत में व्यस्त है, जो ईद 2019 में रिलीज होगी। इसके बाद वो प्रभुदेवा के साथ दबंग 3 की शूटिंग करने लगेंगे, जिसको अरबाज खान के बैनर तले बनाया जाएगा। खान ब्रदर्स ने दबंग 3 को लेकर तो कई बार बयान दिया है, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट पर जुबान नहीं खोली। वह लगता है जैसे करण जौहर जाने अनजाने में सलमान खान से पंगा लेने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आप साल 2020 की ईद पर कौन सी फिल्म देखना चाहोगे, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और हमारा चैनल बॉलीवुड टिशन सब्सक्राइब कीजिए। What do you think about this video? Please comment, like and share. For latest Bollywood updates, don't forget to subscribe Sanskriti's Bollywood Tashan. Hit the bell icon and never miss any filmy Bollywood update. Join us.